मैं सोच रही हूँ कि मैं हॉस्टल चली जाऊँ ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हॉस्टल चले जाने से सब मसले खत्म हो जाएंगे? कम से कम रोज रोज जो सर पे तलवार अटक रही है वो तो नहीं होगा ना। कुछ नहीं होता। गुड़िया को हर 6-8 महीने बाद जोश चढ़ता है घर को साफ सुथरा करने का, और उसका ये शौक पूरा हो गया होगा। शादी के बाद भी तो मुझे यहाँ से जाना ही है, तो बेहतर है कि मैं भी चली जाऊं। ऐना, शादी डिले हो चुकी है। जब तक तुम किसी काबिल नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये बात अब तक तुम्हें समझ लेनी चाहिए है ना। क्या शानज़े कोई बात समझ में आ गई है? हाँ, डिले से शानज़े को कोई एतराज नहीं। वैसे बहुत मोहब्बत करती है वो आपसे। आज छोटी छोटी चीजों पे जिस तरह से फिक्र करी थी आपके लिए, मुझे बहुत अलग लगी। अलग मतलब? अलग मतलब बहुत घरेलू सी, प्यारी सी लड़की, सबका ख्याल रखने वाली। अपने भाई की तरह नहीं है। हाँ, गुड़िया अलग तो है, और जहां तक रजा की बात है वो तो बिल्कुल पागल है। एक बात पूछूं? पूछो। आपने कभी रजा से पूछा कि उसने मेरे साथ वो सब कुछ क्यों किया? क्या उसको बताया कि उस रात मेरे साथ क्या कुछ हुआ? ऐसी बातें पूछने का अब कोई फायदा है क्या? उसे एक गलती ने मुझे सारी जिंदगी के पछतावे में डाल दिया। मेरे अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे जबरदस्ती आपकी जिंदगी में शामिल कर दिया गया, और मेरी बहन की उस्मान से शादी करवा दी गई। हम तो बर्बाद हो गए, और आप कहते हैं मैं पूछूं भी ना। ऐना, रजा के करीब ये सब कुछ एक मजाक और शुगल था, टाइम पास, और कुछ भी नहीं। वो तो अक्सर ऐसा करता है। ये तो तुम्हारी हमाकत थी जो तुम बगैर सोचे समझे यहाँ चली आई। हमदान उससे मुझे खुद बुलाया था, उसने कहा था कि वो मर जाएगा, मैं उसको कैसे मरने देती। मैं जानता हूँ इस बात को कि तुम बिल्कुल सच कह रही हो, लेकिन है ना, तुम ये बात साबित तो नहीं कर सकती ना। कर दिया तो इससे क्या होगा बताओ ना, क्या होगा? ना तो वो वक्त वापस आ सकता है, और ना ही तुम्हारे लिए वापसी का दरवाजा खुल सकता है। कम से कम आपकी नजरों में तो सुखरू हो सकती हूँ। मुझे इतना तो यकीन होगा कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसको मेरी बेगुनाही पे यकीन है। मैं तुम्हें बेगुनाह समझता हूँ ना, मैं जानता हूं, और तुम्हें किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं। क्योंकि मुझे हमदर्दी नहीं इज्जत चाहिए। हमदर्दी चुपती है, और मेरा दिल करता है कि मैं सारी दुनिया को चीख चीख कर बताऊं कि मैं बेकसूर हूं। एक दफा रजा का गिरबान पकड़कर उससे पूछूं कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। मैं बुरी नहीं हूं, मैं बुरी बना दी गई। मेरा दिल करता है कि मैं चीख चीख के सब लड़कियों को बताऊं कि कभी किसी मर्द पर भरोसा मत करें। किसी के कहने पर घर से कभी कदम ना निकालें, वरना वापसी का रास्ता किसी रजा जैसे इंसान की वजह से बंद भी हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि कभी किसी का भी हाल मेरी तरह। प्लीज ऐना रिलैक्स करो, जो भी हो गया वो वक्त गुजर गया, उसे भूल जाओ और आगे बढ़ने की कोशिश करो। जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था। तुम एक स्ट्रांग लड़की हो, मजीद स्ट्रांग करो खुद को, आगे बढ़ो। खुद एक इबरत का निशान बनने की बजाय दूसरों के लिए एक मिसाल बनो कि लड़कियां तुमसे कुछ सीख सकें। प्लीज ऐना, मैं चाहता हूं कि कोई लड़की दोबारा रजा से या रजा जैसे लड़के से धोखा ना खाए। कोई भी लड़की, तुम उनके लिए मिसाल कायम करो। और तुम ज्यादा स्ट्रांग हो, वर्क ऑन योरसेल्फ, एजुकेशन हासिल करो, इंडिपेंडेंट हो जाओ। मैं बस यही चाहता हूँ। I'm sorry, मुझे सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। It's okay, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ। तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, मुझे अच्छा लगा। और तुम कभी भी कह सकते हो, हमेशा। ऐना, मैं समझता हूँ कि तुम और मैं एक ही कश्ती के सवार हैं। शायद हमारी मंजिलें जुदा हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रास्ता एक ही है। क्यों ना ऐसा करें कि हम अपने इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत करें, ताकि एक दूसरे की जिंदगी को आसान बना सके। Please.